आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। नवरात्र का पर्व रविवार 15 अक्टूबर 2023 से आरंभ होगा और 24 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। शिव की नगरी में देवालय सजने लगे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। नवरात्र का पर्व हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नौ रातें। इन नौ रात्रों और 10 दिनों में शक्ति देवी के रूप में नौ रूपों की पूजा की जाती है। दसवां दिन दशहरे के नाम से प्रसिद्ध है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। नवरात्रि वर्ष में वैसे तो चार बात आती है, माघ चैत्र आषाढ़ अश्विन मास में प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्र के नौ रातों में तीन देवियाँ महालक्ष्मी महासरस्वती या सरस्वती महाकाली के नौ रूपों की पूजा होती है। वैसे चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि ये दो प्रमुख तौर पर मनाए जाते हैं। नवरात्रियाँ नवरात्र पर माता के नौ रूपों की पूजा की जाती है। इन नौ रूपों में पहला शैलपुत्री है। पहला दिन 15 अक्टूबर 2023 जब आप इस खबर को देख रहे होंगे, माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री दुर्गा के नौ रूपों में, माता दुर्गा के नौ रूपों में पहले स्वरूप के रूप में जानी जाती हैं। ये ही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा माता हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यही से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इनके बारे में जो कथा प्रचलित है, एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु भगवान शंकर को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती माता को जब इस बात का पता लगा, उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं तब वहाँ उनका जाने का मन बहुत विकल हो उठा। अपनी इन इच्छाएँ को उन्होंने भगवान शंकर को बताया। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर संभवतः नहीं बुलाया, इसकी सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना शेष कर नहीं होगा। भगवान शिव जी के इस उपदेश से सती माता को प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहाँ जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्याग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनकी प्रबल आग्रह को देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहाँ जाने की अनुमति प्रदान कर दी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सती माता ने पिता के घर पहुँच कर देखा तो उन्हें भी कोई आदर या प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा था। सारे लोग मुंह फेरे बैठे थे, केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास उन्हें प्रतीत हुआ। जिस तरीके की कथा है, उस कथा के अनुसार परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन में बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ चतुर्दिक भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव भरा हुआ था। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देख सती माता का हृदय क्षोभ ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर की बात ना मानकर यहाँ आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के अपमान को सह न सकी और उन्होंने उस रूप को तक्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान दारुण दुख की घटना को सुनकर शंकर जी भगवान शंकर क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती माता की योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। माता पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भभंजन किया था। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। नौ दिनों तक माता के शक्ति स्वरूपों की पूजा होती है।
भगवान शिव की नगरी सिवनी में जगह जगह पंडाल सज चुके हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पहले भी आपसे अपील कर चुकी है, जितनी भी दुर्गा उत्सव समितियां उनसे अपील कर चुकी कि आने जाने में व्यवधान पैदा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही जो भी गरबा होता है या पंडाल, जो भी माता दुर्गा के पंडाल सज रहे हैं, वहाँ पर अश्लीलता ना दिखाई दे, फूहड़ गाने ना बजे। गरबे में भी जो वस्त्रों का चयन युवक युवतियाँ करें वे भड़कीले ना हो और कहीं सामाजिक रूप से स्वीकार्य ही रहें। वर्तमान में जिस तरीके का इंटरनेट और सोशल मीडिया पर जिस तरीके की बातें चल रही उन्हें देखते हुए ये बात कहना बहुत लाजमी है कि इन बातों का, मर्यादाओं का, वर्जनाओं का ख्याल रखना, ध्यान रखना पालकों की जवाबदेही है। पालकों को चाहिए कि जब उनके पुत्र पुत्री घर से निकलें तो वे एक बार उन्हें निहार जरूर लें कि वे किस वेशभूषा में जा रहे हैं, किन के साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं और कब वापस आ रहे हैं। दरअसल बदलते समय में चूँकि अब बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं और ये ट्रांजेक्शन फेस इसे माना जा सकता है, एक बदलाव का दौर इसे माना जा सकता है, जिसमें युवाओं को अच्छा क्या है बुरा क्या है इस बात का शायद बहुत इल्म नहीं है, बहुत भान नहीं है। इसलिए पालकों की और जो अग्रजाओं की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। 9 दिन तक माता को शक्ति के रूप में पूजा जाएगा। रविवार 15 अक्टूबर 2023 से नवरात्र आरंभ हो रही है और 24 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। हम लगातार आपको सिवनी शहर के देवालयों के दर्शन कराएंगे, साथ ही माता के 9 रूप, जो भी माता के 9 रूप हैं उन 9 रूपों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठवा कात्यायनी, सातवा कालरात्रि, आठवा महागौरी और नवमा सिद्धदात्री स्वरूप माता का है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको खबरें कैसी लग रही हैं। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।